Welcome to the another lecture of the live process. In this lecture, we're going to discuss about the transportation. So mainly, na transportation kya hota hai? It is the process of flow of substance. When we talk about the flow of substance, it means that transportation. Okay? तो जो हम फ्लो ऑफ सबस्टेंस होता है ना एक ह्यूमन के केस में, तो वो होता है एक फ्लूइड मीडियम होता है, और उस फ्लूइड मीडियम के अंदर दो चीज होता है, एक होता है ब्लड, या जब से ब्लड के अंदर WBC RBC, और एक होता है आपका प्लाज्मा जो फ्लूइड होता है जिसकी वजह से आपका लिम्फेटिक सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। और ये जो फ्लूइड होता है ना, ये एक स्पेशलाइज ट्यूब के अंदर होता है, फ्लो करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, और उस ट्यूब को बोलते हैं ब्लड वेसल्स या आपका लिम्फेटिक वेसल्स, मतलब दो नाम से बोलते हैं। अगर इसमें प्लाज्मा है तो लिम्फेटिक वेसल्स बोलेंगे, और अगर ब्लड है तो उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। इसी तरह दूसरे की बात करें तो जो ट्रांसपोर्टेशन करता है ना उस ऑर्गन उस या उस सिस्टम को बोलते हैं हार्ट। तो मेनली क्या होता है, एक हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ना जो फ्लो और जो रिसीव ऑफ ब्लड करता है ना वो कौन करता है, आपका हार्ट करता है। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन या सिस्टम जो है वो कौन है, आपका हार्ट है। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन जो मैकेनिज्म फॉलो होता है ना एक ह्यूमन केस में, हम उस टर्म को बोलते हैं सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सबस्टेंस, या इट इज या इसको दूसरा वर्ड में ये हम बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ सबस्टेंस टू अ डिफरेंट बॉडी पार्ट या टू फ्रॉम डिफरेंट और ब्लड फ्रॉम अ डिफरेंट आपका बॉडी पार्ट, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन करना और बॉडी को रिसीव करना, दोनों काम को हम सर्कुलेशन टर्म में रखेंगे, राइट। फिर हम फर्दर जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं, थैंक यू।